आज 28 मई 2023 है और आज का दिन इतना ख़ास है कि आज के दिन आपको बार बार याद करना पड़ेगा। जब भी आपको एग्ज़ाम देनी होगी या ज़रूरत पड़ेगी तब आप 28 मई को हमेशा याद रखना। 28 मई के दिन आज महत्वपूर्ण घटना हुई है, आज नया इतिहास रचा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में नई संसद भवन का उद्घाटन किया है और इसका उद्घाटन भारतीय परंपरा के अनुसार, हिंदू धर्म रीति रिवाज के अनुसार इस नई संसद भवन का उद्घाटन किया है। और इस संसद भवन में बहुत पुराने, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय अंग्रेजों के राजा थे, उन्होंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सांगोल दिया था। एक छड़ी थी जिसको दंड कहते हैं, राजदंड, उसको यह प्रदान किया था देश आज़ादी के समय, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने म्यूजियम में रखवा दिया गया था। उस म्यूजियम में से उस सांगोल नामक राजदंड को निकलवा करके माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको नई संसद भवन में स्पीकर प्रवक्ता के सामने उसको स्थापित कर दिया है और उसकी विधिवत रूप से पूजा करके उस राजदंड को स्थापित किया है। नई संसद भवन का स्ट्रक्चर आप ऊपर से देखते हैं तो इसका दृश्य अनोखा है, जिसको आप देख करके पहचान सकते हैं कि ये नई संसद भवन है। पुरानी संसद भवन कुछ ऐसी थी और नई संसद भवन कुछ ऐसी है। आज के दिन वीर सावरकर की जयंती है और इस जयंती के अवसर पर इसका उद्घाटन किया गया है नई संसद भवन का। और सेंगोल का अर्थ होता है कि एक राजा होता था प्राचीन काल में, एक राजा अपने उत्तराधिकार को सेंगोल प्रदान कर दिया करता था अपना राज्यकाल समाप्त करके। तो सेंगोल एक तरह से देखा जाए तो ये प्रजातंत्र का प्रतीक नहीं है, एक राजतंत्र का प्रतीक है। एक राजा अपना शासनकाल पूरा कर लेता है और उसके बाद में अपनी प्रजा को नहीं देता, अपने जो विशेष उत्तराधिकार होता है यानी अपने पुत्र को देता है। इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और इसीलिए राजतंत्र को समाप्त करने के लिए इस सेंगोल को म्यूजियम में रखवा दिया गया था। अब फिर से इस राजतंत्र को लाया गया है। अब देखते हैं कि इस सेंगोल का कितना प्रभाव रहता है, किस तरह से। वैसे देखने में देखा जाए तो आज भारत की जो व्यवस्था है, राज व्यवस्था है, वो पूरी तरह से प्रजातंत्र में न होकर के राजतंत्र में चल रही है। यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है वो प्रधानमंत्री की मनमानी पर हो रहा है, वो जो चाहते हैं वही होता है, प्रजा की पूछी नहीं जाती और यहाँ सिर्फ उन्हीं की पूछी जाती है। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ जो निर्णय लिए जाते हैं संसद भवन में, वो निर्णय विधायकों के आधार पर लिए जाते हैं, तो उसके लिए 2/3 बहुमत होते हैं उनके आधार पर। तो जो अपने निर्णय होते हैं वो किसी और को शामिल करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनके पास इतने सदस्य हैं कि वो किसी भी निर्णय को अपने घर बैठे भी ले सकते हैं और उन पर साइन कर देते हैं। तो इस वजह से, तो ये भी एक वजह है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि प्रजा को पूछा ही नहीं जा रहा है, यानी जो भारतीय जनता है उनकी कोई राय नहीं है। तो यही इसका सबसे मुख्य कारण है, क्योंकि इस समय जो सरकार है बीजेपी की, वो पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने में उसको विपक्ष की आवश्यकता नहीं होती। जो भी निर्णय लेने होते हैं वो उन्हीं के द्वारा ले लिए जाते हैं और इसी वजह से पब्लिक को ऐसा लगता है कि यहाँ प्रजा को पूछा नहीं जा रहा। तो वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नई संसद भवन को आप देखिए और इसको लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।
सेंगोल स्थापना में ओम बिरला इनके साथ में थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में। तो नई संसद भवन के सामने पूजन किया गया, हवन किया गया और वहाँ पर सेंगोल की पूजा की गई और पूरे मंत्रवत विधि विधान से करने के लिए देश भर से बड़े बड़े जाने माने और विख्यात पंडितों को बुलाया गया और उन्होंने विधिवत तरीके से उनकी पूजा करवा करके सेंगोल को माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में दिया गया। मोदी जी ने उनको दंडवत प्रणाम करके सेंगोल को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद में उनको नई संसद भवन में ले जाया गया और ले जा करके उनको लोकसभा स्पीकर के सामने उस दंड को स्थापित कर दिया है से सम्मान के साथ में। तो आज के दिन की आपके पास में कई क्वेश्चन होंगे कि सेंगोल भारत में कौन से वंश से आया था। तो वो सेंगोल था, वो चोल वंश का था और चोल वंश से अंग्रेज़ों के पास में गया था, फिर अंग्रेज़ों के पास में से पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको म्यूज़ियम में रखवा दिया क्योंकि यह एक राजतंत्र का प्रतीक था। और फिर अब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस दंड को वहाँ से निकाल करके दिल्ली में बनाई गई नई संसद भवन में स्थापित कर दिया है। और आज 28 मई है, 28 मई को अब इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया गया है। जब भी एग्ज़ाम होगी करंट जीके की या फिर इंडिया जीके की या कोई सी जीके की, तो उसमें पूछा जाएगा कि सेंगोल भारत में कहाँ रखा गया है, कहाँ रखा हुआ है, तो आपका जवाब होगा संसद भवन नई दिल्ली में और नई संसद भवन में रखा गया है। और इसको किसने रखा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। और इनके साथ में कौन थे, तो ओम बिरला थे। और संसद भवन के पीछे एक बड़ी मान्यता ये है कि हिंदू धर्मों के अनुसार जो पुरानी संसद थी जिसमें अशोक चिन्ह लगा हुआ था, उस अशोक चिन्ह विनाश का प्रतीक बताते हैं। अशोक स्तंभ का जो चिन्ह था उसको विनाश का प्रतीक बताते हैं हिंदू धर्म के अनुसार। और जो अब नई संसद भवन बनाई गई है वह गोमुखी है और गोमुखी संसद भवन को अच्छा माना जाता है, कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ से अब जो निर्णय लिए जाएंगे वो सही होंगे, गलत निर्णय नहीं होंगे। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े विद्वान हैं, ऋषि मुनि हैं, जो इस समय में उनके द्वारा यह कहा गया है। नई संसद भवन में प्रवेश के लिए 6 द्वार बनाए गए हैं। अब नई संसद भवन की बात की जाए तो नई संसद भवन दिखने में अच्छी है, सुंदर है, डिज़ाइन भी अच्छा है और कलर भी अच्छा है। और जो भी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर पुरानी संसद भवन में थी उनसे बेहतर व्यवस्थाएं मिलेगी यहाँ पर। और जो नई टेक्नोलॉजी है उसके अनुसार यहाँ बनाई गई है, वो सारी व्यवस्थाएं होंगी। जो कमियां उसमें थी पुरानी में, वो सारी कमियां को दूर करके नई संसद भवन बनाई है और यह वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाई गई है। अब यहाँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात एक और ये है कि सेंगोल जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने म्यूजियम से निकलवा करके नई संसद भवन में लगाया था, ये किन के कहने पर लगाया था, तो यह पद्म सुब्रमण्यम के कहने पर लगाया है। उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी के जवाब में इन्होंने सेंगोल को यहाँ पर स्थापित किया है। तो किन के कहने पर स्थापित किया है, पद्म सुब्रमण्यम के कहने पर। वीडियो को पूरा करने से पहले आज का जो मोस्ट क्वेश्चन है वो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री के साथ में दूसरे सदस्य और कौन थे जिन्होंने सेंगोल को स्थापित करने में नरेंद्र मोदी जी के साथ में थे, तो वो थे ओम बिरला।
प्रश्न को कठिनाइयों की ओर ले जाता है, जबकि सब लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सेंगोर की स्थापना देश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।